इस ब्रह्मास्त्र को कैसे रोकेगा हनुमान? विवश कर दिया मैंने तुम्हें। अब अपने नेत्रों के समक्ष अपना और अपनी सेना का सर्वनाश देखने के अतिरिक्त कोई चारा शेष नहीं है तुम्हारे पास हनुमान, कोई चारा शेष नहीं है। विनाशी महाअस्त्र है ये, हनुमान कैसे निरस्त करेगा इसे? भागो, भागो, कोई सुरक्षित नहीं है। कौन रक्षा करेगा हमारी? ब्रह्मास्त्र का प्रहार तो कभी विफल नहीं जाता। क्या करूं मैं, कैसे भयमुक्त करूं इन्हें? तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यही उचित समय है। प्रभु से क्षमा, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। ये विचार मेरी कल्पना से भी परे था कि प्रातः रावण मेघनाथ को ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा आदेश देने की नीचता करे। हमारे साथ उनकी निर्दोष प्रजा का भी अंत कर देगा ये महाअस्त्र। अपने इस अयोग्य अनुज को क्षमा कर दीजिए भैया, जो अपनी माता तुल्य भाभी की रक्षा न कर सका, जो उनके वध का प्रतिशोध न ले सका, जो आपको इस धर्म युद्ध में विजय न प्राप्त करवा सका। उठो लक्ष्मण। जिस उत्साह और विश्वास के साथ मैंने आपको वचन दिया था कि रावण को पराजित करने में मैं आपका सहायक बनूंगा, वो उत्साह, वो विश्वास आज धूल धूसरित हो गया प्रभु। अब इस अंत समय में ये लज्जित सेवक आपसे क्षमा याचना करता है। कदाचित अब पुनर्जन्म में ही आपकी सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा प्रभु, मुझे प्राप्त होगा। अकारण हताश हो रहे हैं आप सभी। जब प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं, तो हमारा अंत कैसे हो सकता है? परंतु हनुमान, ब्रह्मास्त्र के सर्वविनाशी विध्वंस को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं रोक सकता उसे, कोई नहीं। श्री राम का सेवक हूं मैं, पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। मैं रोकूंगा ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मास्त्र को। परंतु हनुमान, ब्रह्मास्त्र को चलाए जाने पर उसके विनाशकारी प्रभाव को रोक पाना असंभव है। देखिए हनुमान, जैसे जैसे ये ब्रह्मांड में और ऊंचा जाएगा, सभी ग्रहों और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित कर और भी विनाशकारी बन जाएगा ये ब्रह्मास्त्र। प्रभु,
प्रभु, माता सीता की रक्षा नहीं कर सका आपका ये सेवक, परंतु अपने प्राण देकर भी इस ब्रह्मास्त्र से होने वाले विनाश को रोकेगा ये हनुमान। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम जो भी करोगे मर्यादा में रहकर ही करोगे, इसलिए शीघ्र जाओ और इन निस्वार्थ भाव से मेरा साथ देने वाले वानर वृक्ष योद्धाओं और सैनिकों की रक्षा के लिए मेरी सहायता करो। जो आज्ञा प्रभु। विजय भाव। सर्वप्रथम मुझे इसे अंतरिक्ष में प्रवेश कर ब्रह्मांड की अपार शक्ति संग्रह करने से रोकना होगा, अन्यथा हम वानरों का ही नहीं संपूर्ण सृष्टि का नाश करेगा ये। प्रभु ब्रह्मदेव जी, एक दुष्ट राक्षस द्वारा चलाए गए आपके ब्रह्मास्त्र से संपूर्ण सृष्टि को मिटने से हमारी सहायता कीजिए। यदि इस कार्य में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हनुमान, कैसे रोकेंगे ब्रह्मास्त्र को? लगता है ब्रह्मास्त्र की परिधि में प्रवेश कर लिया है उन्होंने। इस ब्रह्मास्त्र ने तो बहुत ही विकराल रूप ले लिया है। अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करेगा हनुमान, परंतु इस अस्त्र को अवश्य रोकेगा।
अति उत्तम मेरे पुत्र मेघनाथ, अति आनंदित हूं मैं तुम्हारे इस पराक्रम को देखकर, तुम्हारे इस महासंहारकारी अस्त्र को। ना तो वो नर रोक सकता है और ना ही वो वानर। मेरे शत्रुओं का नाश करेगा यह अस्त्र, कोई शेष नहीं बचेगा। आप उचित कह रहे हैं दशानन, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा लंकेश, ना वो नर, ना वानर और ना ही राक्षस। इसीलिए तो मैंने आपको नियुक्त किया है। राक्षसों की रक्षा तो आप करेंगे राजवैद्य सुषेण जी। यह आपका भ्रम है लंकेश, ब्रह्मास्त्र से तो स्वयं सुषेण का जीवन भी सुरक्षित नहीं है, भला मैं दूसरों की रक्षा किस प्रकार करूंगा लंकेश। उस ब्रह्मास्त्र के अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही उसके असीम शक्ति से केवल लंका और लंकेश ही नहीं, संपूर्ण धरा राख की ढेर बन जाएगी, सब कुछ उसकी प्रचंड अग्नि में भस्म हो जाएगा लंकेश, कुछ भी नहीं बचेगा लंकेश, कुछ भी नहीं। भारी अस्त्र अकाट प्रबलतम शक्ति, तीनहुं लोक पे विकट विपत्ति, हनुमत दांव पे जीव लगावा, कम किए थाम के अस्त्र प्रभावा, अचरज देव दैत्य रघुवीरा, दुर्गम काज सुगम महावीरा। महाबली हनुमत की कुछ कर लीला, राम भगत की जय जय जय, रघुनंदन राम जय जय जय, महाबली हनुमान जय जय जय, रघुनंदन राम जय जय जय, महाबली हनुमान। प्राणों की चिंता किए बिना ही ब्रह्मास्त्र की गति को शून्य कर दिया, उसमें संचित होने वाली शक्ति को तो रोक लिया, परंतु किसी भी पल होने वाले विध्वंस को कैसे रोकेंगे, कैसे। ये नियति मेरी कैसी परीक्षा ले रही है, अपनी सीता को तो मैंने खो ही दिया है, और अब मेरे प्रिय हनुमान भी ऐसी अवस्था में।
कैसी कर्कश और प्राणघातक ध्वनि है ये। ब्रह्मास्त्र को रोके रखने पर उसका ध्वंस निश्चित है। उस विस्फोट से कैसे जूझेंगे हनुमान? अब इसे कदापि नहीं छोड़ेगा हनुमान। मूर्छित प्रतीत हो रहे हैं हनुमान। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मास्त्र के विस्फोट का प्रथम दुष्परिणाम है। अपने जीवन की चिंता नहीं है मुझे त्रिजटा, किंतु मेरे स्वामी अनुज लक्ष्मण और हनुमान सहित सभी सुरक्षित हो, इतनी ही कामना है मेरी। ब्रह्मास्त्र से जनित इस शक्ति ने यदि पृथ्वी का स्पर्श किया तो संपूर्ण पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। मुझे रोकना होगा इसे। इस शक्ति को शरीर में धारण कर समस्त संसार की रक्षा करूंगा मैं। नहीं, नहीं, प्रभु को आहत नहीं होने देगा हनुमान।
जय श्री राम। प्रभु तक पहुंचने के पूर्व ही इस शक्ति को अपने शरीर से बाधित कर दूंगा मैं। हनुमान, प्रणाम ब्रह्मदेव। प्राण संकट में क्यों डाल रहे हैं? हनुमान की चिंता ना करें महाराज, विभीषण ब्रह्मास्त्र से सुरक्षा का वरदान प्राप्त है उन्हें। हनुमान के सिवाय यहाँ ऐसा कौन है जो इस प्रचंड शक्ति का सामना कर सके? यही स्थिर रहना होगा मुझे, अन्यथा यह शक्ति प्रभु को प्रभावित कर सकती है। इस विनाशक शक्ति को रोक तो लिया हनुमान ने, परंतु वो पूर्ण रूप से उनके शरीर में समाहित नहीं हो सकी। कहीं इसके विस्तार से सबका संहार ना हो जाए। हनुमान के इस साहसी कर्म को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं। राम भक्त कपि सो न कोई, प्रभु रक्षार्थ प्राण न मोही। ब्रह्मास्त्र घातक अति भाई, जासे बजरंगी टकराई। हनुमत राम लखन दो भाई, एकजुट संकट से टकराई। तीनहु जग रक्षक जग पाला, संकट महनिज प्राण जो डाला। Thank you.
नारायण नारायण, हनुमान की सुरक्षा तो प्रभु ब्रह्मदेव जी के वरदान से सुनिश्चित है। प्रभु श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती, परंतु लक्ष्मण के प्राण कहीं संकट में ना पड़ जाएं। कुशल तो है ना माता? मुझे जिस अनिष्ट की आशंका सता रही थी त्रिजटा, वही घटित हुआ। लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्ष्मण, क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? भैया, क्या हुआ तुम्हें लक्ष्मण? नेत्र खोलो लक्ष्मण। भ्राता लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा आपको। शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।